आपके घर से तो चिमनी दिखती होगी। दूर तो नहीं है घर आपका, चिमनी दिखती है। पनकी भी कोई जाएगा तो चिमनी दिखती है, हमीरपुर जाएगा तो चिमनी दिखती है। आप चले जाइए जीटी रोड पे दिल्ली की तरफ, अलीगढ़ की तरफ, चिमनी दिखती है। उन्होंने आज कहा कि खासतौर से हमें चिमनी देखने के लिए कहा, आपने चिमनी देखी होगी। मैं बीच में बोला नहीं मान्यवर, लेकिन हमने चिमनी के साथ साथ अंधेरा भी देखा है। लेकिन अगर मैं ये कोई बात कह रहा हूं कि ये सब स्टेशन बने हैं, अगर हरद्वारगंज का प्लांट चालू हुआ है, अगर रोजा का प्लांट एक और यूनिट चालू हुई है, तो आप बताइए वित्त मंत्री जी, क्या रोजा का समाजवादियों ने नहीं चलवाया पावर प्लांट? आपके घर से तो चिमनी दिखती होगी। दूर तो नहीं है घर आपका, चिमनी दिखती है। पनकी भी कोई जाएगा तो चिमनी दिखती है, हमीरपुर जाएगा तो चिमनी दिखती है। आप चले जाइए जीटी रोड पे दिल्ली की तरफ, अलीगढ़ की तरफ, चिमनी दिखती है। हरद्वारगंज में चिमनी दिखती है। इसलिए ये जो बिजली के कारखाने लगाने का काम जो समाजवादियों में हुआ, 12 में, 13 में, हरद्वारगंज को लेकर, परीक्षा को लेकर के, या और जो पीपीए साइन हुए बिजली खरीदने के, या जो बिजली बाद में बनने के फैसले लिए जो अभी भी चल रहे हैं, आप बताइए हर साल आपने क्या किया है? और अगर आपने किया हो तो उसके आंकड़े दे दिए। हम तो अपने आंकड़े दिखा रहे हैं और दे भी बता भी रहे हैं आपको। मैं नेता विपक्ष को भी धन्यवाद देता हूं कि वो भी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बाद भी सदन की कार्रवाई में पूरी रुचि लेते हैं और अपनी बात भी कहते हैं। उन्होंने आज कहा कि खासतौर से हमें चिमनी देखने के लिए कहा कि आपने चिमनी देखी होगी। मैं बीच में बोला नहीं मान्यवर, लेकिन हमने चिमनी के साथ साथ अंधेरा भी देखा है मान्यवर। लेकिन मान्यवर सुनाई दे रहे हैं मान्यवर। मैं माननीय अपने अवधेश प्रसाद जी जो हमारे उपनेता हैं, माननीय शिवपाल जी, माननीय लालजी वर्मा जी, माननीय मोना जी और हमारे आदरणीय ओम प्रकाश जी, राजा भैया जी, हमारे संजय निषाद साहब, आशीष पटेल जी, हमारे सभी सहयोगी दलों के नेतागण और सभी सम्मानित मंत्रीगणों का भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ मान्यवर कि जिन्होंने इस कार्रवाई में पूरी तरह से पूरी तन्मयता के साथ रुचि लेकर और हर विषय के ऊपर अपनी अपनी बात रखकर मान्यवर हमारी सरकार के पक्ष को भी प्रस्तुत किया। हम अपने सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लगातार 3 दिन की कार्रवाई में पूर्ण मनोयोग से हिस्सा लिया और हर प्रकार से सदन जब तक चला तब तक एक सार्थकता रही उसकी। हम अपने सभी मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी पूरा स्थान दिया अपने समाचार पत्रों में, अपनी मीडिया के माध्यम से, प्रमुख सचिव सहित अपने विशेष सभी अधिकारियों का जो हमारे कर्मचारी हैं उनका, और मार्शल सहित उनके सहयोगियों का भी धन्यवाद कि चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो और चाहे विधानसभा की कार्रवाई हो, श्री प्रदीप दुबे जी लगातार उसको मॉनिटर भी करते हैं और समय समय पर मार्गदर्शन भी करते हैं। इसके साथ हम बचे हुए लोगों का भी विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं